एरिया 51 इंसानों द्वारा बनाई गई एक ऐसी खुफिया जगह जिसका रहस्य आज तक कोई नहीं जानता। एरिया 51 बदनाम है यूएफओ साइटिंग्स के लिए। ऐसा माना जाता है कि एरिया 51 वो खुफिया जगह है जहां पर दूसरी दुनिया से आए जीवों के साथ मिलकर फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी पर काम किया जाता है। वहां पर एलियंस के ऊपर परीक्षण किया जाता है। दुनिया भर में मशहूर एरिया 51 दुनिया की उन खुफिया जगहों में से एक है जहां इंसान तो छोड़ो कोई परिंदा भी पैर नहीं मार सकता। अगर किसी ने एरिया 51 में घुसने की कोशिश की तो उसको शूट करने के साफ साफ ऑर्डर्स मिले हैं। यूएस गवर्नमेंट नहीं चाहती कि एरिया 51 का रहस्य दुनिया के सामने आए, लेकिन सवाल ये है कि सरकार एरिया 51 के रहस्यों को दुनिया से आखिर क्यों छुपा रही है। ऐसा क्या है एरिया 51 के अंदर जिसको इतनी सुरक्षा की जरूरत है कि वहाँ परिंदा भी पैर नहीं मार सकता? क्या वास्तव में एरिया 51 के अंदर एलियंस के ऊपर परीक्षण किया जाता है या असली सच कुछ और है? आप एरिया 51 के इस मैप को देखिए। ये जगह रेगिस्तान और पहाड़ियों के बीच किसी भी शहर से मीलों दूर मौजूद है। अगर किसी को एरिया 51 में आना भी होगा तो उसको कम से कम 250 किलोमीटर तक एक ऐसे सुनसान हाईवे पर चलना होगा जहां ना तो कोई पेट्रोल पंप होगा और ना ही कोई इंसान होगा। नेवाडा डेजर्ट में मौजूद ये जगह यूएस मिलिट्री की एक सीक्रेट फैसिलिटी है। अगर कोई भी व्यक्ति जो एरिया 51 में पहले काम कर चुका है उसने एरिया 51 के रहस्यों को खोलने की कोशिश की है, या तो उस व्यक्ति की रहस्यमय तरीके से मौत हुई है या सरकार द्वारा उसके सभी दावों को झुठला दिया गया है। साल 2014 में एक सीनियर साइंटिस्ट बॉयड बुसमैन ने एरिया 51 के रहस्यों को दुनिया के सामने लाने की कोशिश की। उन्होंने बताया कि वो एरिया 51 में एलियंस के साथ मिलकर काम कर चुके हैं। वो एंटी ग्रेविटी प्रोपल्शन सिस्टम प्रोजेक्ट पर काम कर चुके हैं जिसमें उनका मकसद था एक ऐसा स्पेसक्राफ्ट बनाना जो कि ग्रेविटी के खिलाफ उड़ सके। बुसमैन ने अपनी बातों को साबित करने के लिए कुछ तथ्य रखे। उन्होंने एलियंस के कुछ फोटोग्राफ्स दिखाए जो एरिया 51 में मौजूद हैं। जिस टेक्नोलॉजी पर वो काम कर रहे थे उन्होंने उसके स्केचेज भी दिखाए, लेकिन सरकार ने उनके इन सभी दावों को झुठला दिया। लेकिन इसके कुछ ही दिनों बाद बॉयड बुसमैन की एक रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। लेकिन सवाल ये है कि बॉयड बुसमैन की बातें आखिर कितनी सच थीं? अगर बुसमैन की बातें झूठी थीं, तो भला कोई सीनियर साइंटिस्ट 78 साल की उम्र में मरने से पहले झूठ क्यों बोलेगा? एक व्यक्ति थे बिल यू हाउस। उन्होंने अपनी मौत से पहले दावा किया कि वो एरिया 51 के S4 साइट में एलियन टेक्नोलॉजी पर रिवर्स इंजीनियरिंग का काम कर चुके हैं। उन्होंने बताया कि वो एलियंस के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में थे। यू हाउस का कहना था कि एरिया 51 में एलियंस की UFO मौजूद हैं जो एंटी ग्रेविटी टेक्नोलॉजी पर काम करती हैं। उन्होंने बताया कि वो जिस एलियन के साथ काम कर रहे थे उसका नाम जे रोड था, जो एक UFO का पायलट था और इंसानों से टेलीपैथी के जरिए बात किया करता था। लेकिन ऑफिशियल्स के द्वारा बिल यू हाउस के दावों को भी झुठला दिया गया। कुछ इसी तरह का दावा बॉब लेजर भी करते हैं। बॉब लेजर एक फिजिसिस्ट हैं जिन्होंने दावा किया कि वो एरिया 51 के S4 साइट में एलियन टेक्नोलॉजी पर 1989 में रिवर्स इंजीनियरिंग का काम कर चुके हैं। लेकिन बॉब लेजर के इन दावों के बाद उसकी हिस्ट्री को ही बदल दिया गया। जो भी हो, लेकिन एरिया 51 में कुछ तो ऐसा हो रहा है जिसके बारे में सरकार बात नहीं करना चाहती। अगर हम समय में थोड़ा पीछे जाएं तो ये साल 1947 के मध्य की बात है। ये वो समय था जब अमेरिका में UFOs को देखे जाने की घटनाएं सामने आ रही थीं। 24 जून 1947 को एक प्राइवेट पायलट केनेथ आर्नोल्ड ने बताया कि जब वो एक प्राइवेट प्लेन को उड़ा रहा था तब उसने सिएटल शहर के पास एक पहाड़ी के नजदीक 9 UFOs को देखा। उन्होंने बताया कि वो UFOs एक फ्लाइंग सॉसर के जैसे एक डिस्क की शेप में थे और वो बहुत तेज स्पीड से उड़ रहे थे। ये UFOs को देखे जाने की इतिहास की सबसे पहली घटना थी। इस घटना के करीब 2 हफ्तों के बाद न्यू मैक्सिको में रॉसवेल के पास एक किसान मैक ब्रेजल ने US मिलिट्री को इन्फॉर्म किया कि उसके खेतों में किसी अनजान चीज का मलबा पड़ा है। जेसी मार्शल, जो रॉसवेल आर्मी एयरफील्ड में एक इंटेलिजेंस ऑफिसर थे, वो घटना स्थल पर पहुंचे और वहां जाकर वो उस मलबे को समेट कर वापस RAAF के बेस में ले आए। इसके बाद US मिलिट्री एक प्रेस रिलीज करती है जिसमें अगले ही दिन यानी 8 जुलाई 1947 को न्यूज़पेपर में खबर आती है कि रॉसवेल आर्मी एयरफील्ड ने एक फ्लाइंग सॉसर यानी उड़न तस्तरी का मलबा रिकवर किया है। RAAF ने बताया कि तेज तूफान के चलते वहां पर एक उड़न तस्तरी क्रैश हुई है। लेकिन अगले ही दिन यानी 9 जुलाई 1947 को इस खबर को बदल दिया जाता है और नई खबर ये होती है कि वो कोई फ्लाइंग सॉसर नहीं बल्कि एक वेदर बैलून था। इसके बाद लोगों ने इस घटना को ज्यादा सीरियस नहीं लिया और भूल गए। लेकिन 31 साल बाद रॉसवेल की ये घटना फिर से एक नए रूप में लोगों के सामने आती है।
इस बार इस घटना से संबंधित कुछ नए तथ्य सामने आए। इंटरनेशनल यूएफओ म्यूजियम के फाउंडर ग्लेन डेनिस ने बताया कि उसकी एक दोस्त रॉसवेल आर्मी एयरफील्ड में नर्स की जॉब करती थी। वो घूमते हुए एग्जामिनेशन हॉल में पहुंच गई, जहां पर उसने देखा कि डॉक्टर्स कुछ प्राणियों के ऊपर झुके हुए थे। वो जीव देखने में कुछ इंसानों की तरह लग रहे थे, लेकिन वो कुछ अजीब से थे। उनकी लंबाई करीब 3 से 4 फीट थी, हाथ पतले और सिर बड़ा था, जिनकी बड़ी बड़ी आंखें थी। यूएफओ खोजकर्ताओं का मानना था कि उस दिन रॉसवेल आर्मी एयरफील्ड ने सिर्फ यूएफओ के मलबे को ही रिकवर नहीं किया था, बल्कि उन्हें वहां पर एलियंस की डेड बॉडीज भी मिली थी। उसके बाद रॉसवेल आर्मी एयरफील्ड ने उस मलबे और डेड बॉडीज को एरिया 51 में भिजवा दिया। साल 1978 में न्यूक्लियर फिजिसिस्ट और यूएफओ रिसर्चर स्टेंटन फ्रेडमैन ने जेसी मार्शल का इंटरव्यू लिया, जो उस मलबे को क्रैश साइट से उठाकर लाए थे। जेसी मार्शल ने इंटरव्यू में बताया कि वो मलबा इस धरती का बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। वो एक पन्नी की तरह पतला था, लेकिन मजबूत इतना कि उसे मोड़ा नहीं जा सकता था। अमेरिका में अभी तक लोगों ने कई जगहों पर यूएफओज को देखे जाने का दावा किया है, और सबसे ज्यादा यूएफओ साइटिंग्स एरिया 51 के आसपास नेवाडा रीजन में होती हैं। वास्तव में हर कोई एरिया 51 के रहस्यों को जानना चाहता है। लोग इस जगह को परग्रही जीवों से जोड़कर देखते हैं। लेकिन क्या हो कि ये सब एक प्रोपोगेंडा हो, एक छलावा हो? क्या हो कि यूएस गवर्नमेंट वास्तव में ये चाहती हो कि आप ये मानते रहो कि एरिया 51 में एलियंस के साथ शोध किया जाता है? क्या हो कि यूएस गवर्नमेंट एलियंस के नकाब के पीछे एरिया 51 के असली मकसद को छुपाना चाहती हो? क्या हो कि ये एलियंस वाला प्रोपोगेंडा खुद अमेरिकन सरकार ने ही फैलाया हो? अभी तक हमने जो जाना वो सिक्के का सिर्फ एक पहलू था। सिक्के के दूसरी साइड में क्या छुपा है, वो है असली एरिया 51। पहली चीज तो आप ये समझिए कि क्या वर्ल्ड वॉर 2 से पहले एलियंस या यूएफओज को देखे जाने का जिक्र किया गया था? नहीं ना। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि 24 जून 1947 को सबसे पहली बार यूएफओज को देखा गया था। इससे पहले यूएफओज को कोई जानता भी नहीं था, और इसके बाद यूएफओज को देखे जाने की घटनाएं आम हो गईं। आखिर वर्ल्ड वॉर 2 से पहले एलियंस कहां थे, और क्या एलियंस को पूरी पृथ्वी पर सिर्फ अमेरिका ही पसंद है? मैं जो कहना चाह रहा हूं, आप वीडियो में आगे समझ जाओगे। हिरोशिमा और नागासाकी पर एटॉमिक बॉम्ब डालकर अमेरिका ने वर्ल्ड वॉर 2 को तो खत्म कर दिया, लेकिन इससे यूएस और सोवियत यूनियन के बीच तनाव बढ़ गया, क्योंकि दोनों की ही आइडियोलॉजी बिल्कुल अलग थी। इस तनाव की वजह से यूएस और सोवियत यूनियन के बीच कोल्ड वॉर शुरू हो गया। दोनों ही देश अपने अपने हथियारों को मजबूत बनाने में लग गए, और दोनों ही देश एक दूसरे पर जासूसी करने लगे। अमेरिका चाहता था कि वो ऐसे हवाई जहाज बनाए जो सोवियत यूनियन पर नजर रख सके और उसकी जासूसी कर सके, लेकिन अमेरिका ये भी चाहता था कि ऐसे स्पाई जहाजों के बारे में किसी को पता भी ना चले। इस वजह से स्पाई जहाजों को बनाने और उन्हें टेस्ट करने के लिए अमेरिका को एक ऐसी सीक्रेट जगह की जरूरत थी जो आम इंसानों की पहुंच से दूर हो, और जहां पर सोवियत यूनियन उनकी जासूसी ना कर सके। 1950 के दशक में ऐसी एक जगह को खोज लिया गया जो नेवाडा के रेगिस्तान में पहाड़ियों के बीच थी। अमेरिका की सीक्रेट एजेंसी CIA ने ऐसे स्पाई प्लेन्स को गुप्त रखने के लिए उसी जगह को चुना जो पहले से ही क्लासिफाइड थी। इस जगह पर अमेरिका पहले से ही अपने न्यूक्लियर हथियारों की टेस्टिंग कर रहा था। उसी के पास में साल 1955 में एरिया 51 को बनाया गया। अमेरिका ने सोवियत यूनियन पर नजर रखने के लिए U-2 स्पाई विमान जैसे कई स्पेसक्राफ्ट्स को बनाया, लेकिन अमेरिकन सीक्रेट एजेंसी CIA के पास एक और चुनौती थी कि वो इन एयरक्राफ्ट्स को बना तो रहे हैं, लेकिन इनकी टेस्टिंग कैसे की जाए, क्योंकि जब वो स्पाई विमान टेस्टिंग के लिए उड़ेंगे तो लोग उनको देखेंगे और उनके मन में सवाल पैदा होंगे कि वो क्या चीज है, तो वो उन्हें क्या जवाब देंगे। इसलिए CIA ने इन चीजों को एलियंस और UFOs से जोड़ दिया। लोग आए दिन UFOs को देखे जाने का दावा करते जा रहे थे, और इधर CIA अपने सीक्रेट ऑपरेशंस को परफॉर्म करता जा रहा था। दरअसल अमेरिका का डर था कि कहीं सोवियत यूनियन उन पर कोई एटॉमिक हमला ना कर दे। इस वजह से अमेरिका ऐसे एयरक्राफ्ट को बनाने में लगा था जो हाई एल्टीट्यूड पर तेज रफ्तार से उड़ सकें, और वो किसी भी रडार की पकड़ में ना आएं, और ना ही उन्हें एंटी स्पेसक्राफ्ट मिसाइल से मारा जा सके। यह है अमेरिका का U-2 स्पाई प्लेन, जो कि अमेरिका का सबसे इम्पोर्टेंट जासूसी जहाज था। इस विमान से अमेरिका ने कुछ सालों तक सोवियत यूनियन पर सफलतापूर्वक जासूसी की, लेकिन 1 मई 1960 को सोवियत यूनियन ने अमेरिका के एक U-2 विमान को मिसाइल से मार गिराया। इसके बाद अमेरिका ने U-2 विमान से भी तेज चलने वाले और उससे ज्यादा ऊंचाई पर उड़ने वाले विमान को बनाया, जिसका नाम था लॉकहीड SR-71 ब्लैकबर्ड। अब आप ही बताइए कि दो बड़े देशों के बीच तनाव का माहौल है, और इस बात का डर है कि कहीं उन पर एटॉमिक हमला ना हो जाए, और एटॉमिक हमले के डर से लोग दहशत में ना आ जाएं, तो ऐसे में अमेरिका अपने नागरिकों को कैसे बता सकता था कि उन्हें एटॉमिक हमले का डर है? इस वजह से वो सोवियत यूनियन पर नजर रखने लगे हैं और स्पाई प्लेन्स को बना रहे हैं।
और ऐसा करने से उनकी नेशनल सिक्योरिटी भी खतरे में आ सकती थी। तो क्यों ना एक ऐसे प्रोपोगंडा को रचा जाए जिस पर लोग आसानी से विश्वास कर लें और उसकी आड़ में अपने मेन मिशन पर काम किया जा सके। इसीलिए जब यूएफओ साइटिंग्स की घटनाएं सामने आती तो CIA ना तो उन घटनाओं को डिनाई करता और ना ही उनको सच बताता। इस वजह से नई नई कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज जन्म लेने लगी और एरिया 51 विवादों से घिरता गया। लोग ये मानने लगे कि एरिया 51 में एलियंस का अड्डा है। अब अगर रॉसवेल की घटना पर वापस आए तो पहले दिन खबर आई कि एक फ्लाइंग सॉसर क्रैश हुआ है। लेकिन CIA ये भी जानता था कि अगर सरकार ये मान लेगी कि एलियंस का अस्तित्व तो वास्तव में है और वो धरती पर आ चुके हैं तो इससे भी लोगों में दहशत का माहौल फैल सकता है। इसी वजह से इस खबर को एक दिन चलाकर अगले ही दिन फेदर बैलून के क्रैश होने की खबर छपी। लेकिन रॉसवेल की घटना का असली सच साल 1994 में पता चला जब US एयर फोर्स ने बताया कि वो एक सीक्रेट प्रोजेक्ट मोगुल पर काम कर रहे थे। इस प्रोजेक्ट में उन्होंने आसमान में कुछ गुब्बारों को छोड़ा जिनमें अलग अलग तरह के सेंसर्स लगे थे। इस प्रोजेक्ट का मेन मकसद ये पता लगाना था कि कहीं सोवियत यूनियन ने कोई एटम बॉम्ब तो नहीं चलाया। दरअसल वो कोई वेदर बैलून नहीं बल्कि एक न्यूक्लियर सर्विलियंस बैलून था। लेकिन सरकार ने उस समय इसका सच इसलिए छुपाया क्योंकि कहीं लोगों में एटॉमिक हमले का डर न फैल जाए। लोग आज भी एरिया 51 की इन कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज पर विश्वास करते हैं। इसीलिए तो मजाक में किए गए एक फेसबुक इवेंट ने इतना बड़ा रूप ले लिया। एरिया 51 के रहस्यों को जानने के लिए लोग इतने उतावले हैं कि आप इस चीज का अंदाजा इस बात से लगा सकते हो कि एक कॉलेज स्टूडेंट मैटी रॉबर्ट ने मजाक में फेसबुक पर एक इवेंट बनाया जिसका नाम था स्टॉर्म एरिया 51 दे कांट स्टॉप ऑल ऑफ अस। इस इवेंट में उसने बताया कि हम 20 सितंबर 2019 को रात के 3 बजे एरिया 51 में मिलेंगे और उसके अंदर घुसेंगे। मजाक में उसने एक और बात लिखी कि अगर मिलिट्री वाले हम पर गोलियां चलाएंगे तो हम नारुतो की तरह भागकर उनसे बच निकलेंगे। मजाक में किए इस इवेंट को लोगों ने सीरियस ले लिया और देखते ही देखते 20 लाख लोग इस इवेंट में हिस्सा लेने के लिए तैयार हो गए। इस वजह से इवेंट वाले दिन अमेरिका को एरिया 51 में एक्स्ट्रा स्पेशल फोर्सेज को बढ़ाना पड़ा। लेकिन अच्छी बात ये रही कि उस इवेंट में कुछ ही हजार लोग आए जिन्होंने एरिया 51 में घुसने की बजाय बाहर ही शांतिपूर्वक म्यूजिक पार्टी की और इस पार्टी की थीम थी एलियन स्टॉक। आज भी अमेरिका एरिया 51 में हाईटेक विमानों और हथियारों की टेस्टिंग करता है तो इतनी सीक्रेट फैसिलिटी में किसी का भी जाना बैन तो होगा ही।